सभी को जय श्री राम, जय माँ गंगे। और न्यू ब्लॉग के साथ फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्जुन सिंह चौहान में। दोस्तों, इस वीडियो में देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में हर की पौड़ी है उसी के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। जो हर की पौड़ी घाट कहाँ स्थित है, हर की पौड़ी घाट का इतिहास क्या है, हर की पौड़ी घाट की मान्यता क्या है, हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी घाट कैसे पहुँचे, हवाई जहाज से हर की पौड़ी घाट कैसे पहुँचे, ट्रेन से हर की पौड़ी घाट कैसे पहुँचे, बस से हर की पौड़ी घाट कैसे गए, पूरा विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों हर की पौड़ी में। दोस्तों, ये देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड में हर की पौड़ी में आया हुआ हूँ और सामने देख रहे पाठक जी जो नहा रहे हैं और सामने वैभव हुआ जो देहरादून से आया था। दोस्तों देखिए, माँ गंगा को जल अर्पित करें और साथ में सूर्य भगवान को भी। ऐसा कहा जाता है जब भी आप गंगा स्नान करें उससे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जाता है, उसके बाद माँ गंगा को, और नहाने के बाद लोग दिया आरती सब कुछ जलाते हैं। दोस्तों, अब मैं हर की पौड़ी का इतिहास बताता हूँ। हर की पौड़ी या हर की पौड़ी भारत के उत्तराखंड के राज्य की एक धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक पवित्र स्थल है और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। इसका भावार्थ है हरि यानी नारायण के चरण। हर की पौड़ी घाट हरिद्वार में स्थित हरिद्वार का सबसे प्रमुख घाट है जिसके सूर्यास्त के समय ही गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हरिद्वार में स्थित इस घाट की बहुत मान्यता है। कहा जाता है इस घाट पर स्नान करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको। सूर्यास्त के समय इसी घाट की खूबसूरती देखने बनती है और जस्ट देख रहे पूरा मैं हर एक एंगल से कोशिश कर रही हूँ। मेरे चाचा जी गंगा स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में जो है, जो हर की पौड़ी घाट कहाँ स्थित है, हर की पौड़ी घाट का इतिहास क्या है, हर की पौड़ी घाट की मान्यता क्या है, हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी घाट कैसे पहुँचे, हवाई जहाज से हर की पौड़ी घाट कैसे पहुँचे, ट्रेन से कैसे पहुँचे, बस से कैसे पहुँचे। दोस्तों, जिस प्रकार सूर्यास्त के समय गंगा जी की आरती हर की पौड़ी घाट पर होती है, उसी प्रकार सूर्यास्त के समय गंगा जी की आरती ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में होती है। दोस्तों देखिए, जो मेरे चाचा जी जो हैं जल अर्पित कर रहे हैं माँ सूर्य भगवान को और माँ गंगा को। दोस्तों सामने जो देख रहे हैं मेरे माता श्री और चाचा चाची, आज हम लोग हर की पौड़ी जो देहरादून के हरिद्वार में पड़ता है वहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं। दोस्तों यहाँ पे स्नान करने के बाद ऐसा कहा जाता है जब को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसा इतिहास में कहा जाता है जो दानव और देवता के बीच जब समुद्र मंथन के बाद युद्ध हुआ था तो उसी में से अमृत कुछ यहाँ पर गिर गया था, कुछ बूंदे यहाँ पे गिर गई थी, वे स्थान धार्मिक महत्व बन गए थे। इसीलिए यहाँ पे पौराणिक कथाओं के अनुसार इस घाट को राजा विक्रमादित्य पहली शताब्दी पर अपने भाई वीरत्व की याद में बनाया था। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, यहीं पे गंगा स्नान और गंगा आरती यहीं पे होता है। दोस्तों, इस मुख्य घाट के अतिरिक्त यहाँ पर नहर के किनारे ही छोटे छोटे अनेक घाट हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर ही संतरीय व सफ़ेद रंग के जीवन रक्षक टावर लगे हुए हैं जो निगरानी रखते हैं। दोस्तों यहाँ पे छोटा छोटा घाट आपको बहुत मिलेगा। और दोस्तों यहाँ से जल भर के लोग अपने घर ले जाते हैं। देखिए, मुझे कोई जल भरने के लिए दिया। और जब भी आप नहाने जाए आपको स्टील का बैरिकेड या रिंग पकड़ कर ही नहाए, बाहर में आप नहाने का कोशिश नहीं करें। दोस्तों हर की पौड़ी में आप सामने देख रहे हैं मैं गंगा जी को, माँ को जल अर्पित कर रहा हूँ, उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं। नहाने के बाद जल अर्पित और मेरे साथ चाचा जी कर रहे हैं, और देख रहे हल्का सा आपको वैभव भी दिखाई देगा जो देहरादून से है, वो भी जल अर्पित कर रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देश के हर कोने से निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपको 2 किलोमीटर पैदल भी आप 15 मिनट का रास्ता है, आप हर की पौड़ी आ सकते हैं। देख रहे सामने मैं रिंग पकड़ के नहा रहा हूँ, आप रिस्क यहाँ पे नहीं लीजिएगा, रिंग पकड़ कर ही नहाना है सावधानीपूर्वक। ये सामने जो देख रहे हैं सोना चांदी किसी का गिर जाता है वो ये सब निकालते हैं इसमें चुंबक लगा के। दोस्तों यहाँ पे मेन जो घाट है नहाने का हर की पौड़ी ही कहा जाता है। ऐसे तो बहुत सा छोटा छोटा घाट, जब आप आइएगा तो हर एक छोटा छोटा घाट आपको दिखाई देगा, लेकिन मेन जो घाट है वो हर की पौड़ी ही कहा जाता है। अब मैं दिया जला कर उसको गंगा में विसर्जन कर रहा हूँ और बहुत ही भव्य नज़ारा माँ गंगा का, ये सुबह का फ़ोटो वोटो अगर आप खिंचाना चाहते हैं सब आपको दिखाई देगा। दोस्तों हर की पौड़ी देवता की भूमि कहे जाने वाला राज्य उत्तराखंड अपने अंदर ना जाने कितना रहस्य समेटे हुए हैं। उत्तराखंड हिंदू धर्म के लिए ना सिर्फ बेहद अहम राज्य है बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में हिंदू आस्था से जुड़े बड़े धार्मिक और स्थल मौजूद है।
उत्तराखंड में ही चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ थे। ऐसे ही कुछ महत्व है कि हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी यानी हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल में शामिल है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते रहते हैं। हर की पौड़ी का मतलब भगवान विष्णु के चरण। आज आपको इस धार्मिक स्थल के बारे में कुछ खास बातें बताता हूँ। हर की पौड़ी के लेख से पढ़ते पुरातन काल में समुद्र मंथन निकले अमृत को लेकर देवताओं और राक्षस के भी युद्ध छिड़ गया था। उसी वक्त भगवान विश्वकर्मा अमृत को दानवों से बचाकर ले जा रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गए थे। देवता और दानव के बीच में दोस्तों लड़ाई हुआ था, तो विश्वकर्मा जी जब ले जा रहे थे तो कुछ बूंद गिर गया था। जहाँ जहाँ ये बूंद गिरी वहाँ धार्मिक स्थल बन गया। कुछ बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और उसके बाद ये जगह हर की पौड़ी कहलाई। दोस्तों हिंदुओं में मान्यता है कि हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी पर रोजाना हजारों संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं और हर की पौड़ी हरिद्वार का प्रमुख गंगा घाट है। मान्यता है कि यहाँ से ही गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई है, जिसके बाद वो आगे बढ़कर यूपी, बिहार, बंगाल से होकर समंदर में जाती है। दोस्तों मैं भगवान को पूजा पाठ कर रहा हूँ। यहीं से माँ गंगा पूर्वी भारत के इधर के उत्तरी भारत के तरफ दोस्तों बही है। यहीं से बिहार, यूपी, बंगाल में होकर जाती है। प्रचलित मान्यता के मुताबिक हर की पौड़ी में एक शिला भगवान विष्णु के पदचिन्ह है। इसी की वजह से इस घाट को हर की पौड़ी के भी नाम से जाना जाता है। हर की पौड़ी हर शाम के वक्त माँ गंगा के संध्या आरती की जाती है। इस आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और इसका नज़ारा बेहद विहंगम होता है। और मैं नहा रहा हूँ और सामने ही आप गंगा आरती देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप गंगा आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आरती तो 7 बजे से ही होती है, लेकिन आप 5 बजे ही आ जाइए, जो सामने आपको दर्शन होगा। अगर आपको बता दो सबसे बड़ा बात, आरती देखने के लिए जो घड़ी है उसी के सामने आप बैठ जाए, नहीं तो जहां हर की पौड़ी में भी आप जहां पे मेन आरती होती है वहां पे भी आप बैठ सकते हैं, तो वीआईपी के जस्ट बगल में आपको बैठ जाइएगा। और यहां पे अगर आप आरती करना चाहते हैं तो उसके लिए 1100 रुपया लगता है, वो दो के आप आरती कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। जय माँ गंगे, जय श्री राम, जय भारत। दोस्तों एक बार फिर से माँ गंगा के चरण में नमन।